हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है एंड मुझे लग रही है बहुत भूख। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 एंड मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया बिकॉज टुडे इज़ अ फूड ईटिंग चैलेंज एंड आज मैं अपनी डाइट चीट कर रही हूँ बिकॉज आई हैव सो वॉन्टेड टू ट्राई दिस थिंग। सो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ कोरियन नूडल्स, स्पाइसी कोरियन नूडल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। आई नो आई एम वेरी लेट फॉर दिस ट्रेंड बट मैंने कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया कोरियन फूड। और मेरे को मैंने टॉप रेमेन और वो सब कुछ बहुत खाया है लेकिन मेरे को आज खाना है कि मैं ऑथेंटिक जो कोरियन इंस्टेंट नूडल्स होते हैं वो ट्राई करूँ और आपको अपना रिएक्शन दिखाऊँ। सो आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शूटिंग इट ऑल्सो। सो लेट मी शो यू व्हाट आई बॉट। सो दिस इज़ द नूडल्स दैट आई बॉट। दिस इज़ द निसिन के कोरियन वेज फ्लेवर, हॉट एंड स्पाइसी। वैसे आई लव स्पाइसी फूड, दैट इज़ वाई आई वॉज रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस। लेकिन आई डोंट नो मेरी टॉलरेंस क्या है। एक बार मैंने झोल मोमोज खाए थे, मेरी हालत ख़राब हो गई थी लिटरली। व्हेन आई पी मेरे को लिटरली ऐसे फील हो रहा था जैसे आग निकल रही है वहाँ से। पहले तो हम इस पैकेज को खोलते हैं। लेट मी टेल यू, फर्स्ट द पैकेजिंग ऑफ दिस इंस्टेंट नूडल इज़ ₹50 ओनली बिकॉज ये सबसे सस्ता था तो मैंने कहा इसी से शुरू करते हैं। ओके, सो एक हमें ये आई थिंक ये मसाला पाउच है वो मिल रहा है। नेक्स्ट आई थिंक ये सीजनिंग ऑयल है और इसमें कुछ नहीं है और इसमें बस एक ये इंस्टेंट नूडल्स हैं। तो लेट्स गो एंड मेक इट। मैं डाल रही हूँ अब 400 ml पानी बिकॉज मैंने एकदम अच्छे से मेजर कर लिया कप में। तो इसको उबलने देंगे, उसके बाद मैं ऐड करूँगी अपने नूडल्स। सो पानी बहुत जल्दी हो गया बॉयल, अब इसमें डालेंगे इंस्टेंट नूडल्स और इसको रखना है हमने 5 मिनट के लिए। सो मेरे को आई थिंक मेरा काम हो गया बिकॉज ये जैसे जैसे बॉयल हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं, तो ये सेपरेट हो गए अपने आप फोक से। बस मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सेपरेट कर लिया है तो इट इज़ फाइन, आप ऐसे भी कुक कर सकते हो। बस थोड़ा सा और कुक करेंगे। आई डोंट नो एक्चुअली कितना कुक करना है, मैंने टाइम नहीं नोट किया इस बारी। गाइस मेरे को अब पता चला कि ये जो पानी है सारा वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए इन्होंने 400 ml बोला है क्योंकि जितना है उतने में वो प्रॉपरली कुक हो जाएगा ताकि हमें अंदाज़ा ना लगाना पड़े कि कितना हो गया है या कितनी देर कुक करना है। आप देख सकते हैं पूरा पानी सूख चुका है और ये बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। एंड मैंने बाय चांस इसको ऐसे टच करके देखा, दिस फील्स वेरी स्लिपरी एंड ऑयली जब आप इसको कुक कर रहे हो। और अभी भी मेरे हाथ बहुत देख सकते हो कितने ऑयली और स्लिपरी लग रहे हैं। अब जो आप देख सकते हो कितने धुएं एंड ऑयल निकल रहे हैं। तो मैंने दोनों पैकेट्स निकाल के रखे हैं। पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सीजनिंग ऑयल। ओ माई गॉड, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोमोज की तीखी चटनी दे दी हो। ऑयल इट वॉज सो गुड, मतलब मुझे इसकी खुशबुएं दूर दूर से आ रही हैं। ये है इसका ये मसाला मिक्स और ये भी एकदम भरपूर लग रहा है मिर्ची से। ओप्स, गिरा दिया मैंने, कोई बात नहीं भाई। आपको सच बताऊँ इसकी खुशबू से ही लग रहा है कि ये काफ़ी स्पाइसी होने वाला है। तो लेट मी जस्ट मिक्स इट। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है एक हाथ से मिक्स करना, तो मैं जस्ट इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। गाइस ये हो गई है हमारी कोरियन नूडल तैयार और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। एंड दिस लुक्स रियली स्पाइसी, लेट्स सी कि टेस्ट कैसा होता है। सो गाइस ये रहे मेरे कोरियन नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा रेड लग रहे हैं और सच बोलूँ तो इसे सूंघ के ऐसे लग रहा है कितनी सारी मिर्चें डाली हैं। बट आई लव स्पाइसी, लेट्स सी ये मेरे मतलब का है कि नहीं। बट उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अपने पापा को फॉर टेस्ट टेस्ट। सो गाइस पापा आ गए हैं और यहाँ पे पानी तैयार है और पापा भी तैयार है और कोरियन स्पाइसी नूडल्स भी तैयार है। तो पापा खा के बताओ पहले। देखते हैं बेटे, खा के पूरा खाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अपना रिएक्शन। कितनी तीखी है, रेट करो जैसे आप नॉर्मल खाते हो जितना हम खाते हैं। पहले पानी पी लो, मेरे हिसाब से डबल है मिर्च। ओके चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, आप पानी पियो। कितनी स्पाइसी है, मैं खा पाऊंगी? पॉसिबल पॉसिबल है, चलो देखते हैं खा के। पर मजेदार है, टेस्टी है। ओके तीखी है, कितनी तीखी ये, अभी इससे भी तीखी खाते हैं लोग? ये तो मतलब सबसे कम लेवल है तीखा मेरे हिसाब से। तीखी काफी है, तीखी है और मेरे को थोड़ी सी मतलब तीखापन इसमें फील हो रहा है पर मैं खा सकती हूँ ऐसे इजीली। पर काफी तीखी है इन लोगों के लिए जो बिल्कुल तीखा नहीं खाते। मेरे को भी पानी पीना पड़ेगा बीच बीच में। रुक, ये खाना तो अच्छा लगा पर ये स्टार्टिंग में थोड़ा मीठा मीठा लगता है। हाँ, उसके बाद मिर्ची आती, उसके बाद काफी तीखा आता है कि मेरे को लगता था मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी खा सकती हूँ पर इसको खाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा लोग इससे भी जो स्पाइसी नूडल्स आते हैं कोरियन नूडल्स वो कैसे खाते हैं। मेरी तो इसी में बस हो गई ऑनेस्टली। ऐसा नहीं है कि मैं इसको फिर से नहीं खाऊंगी। आई लव स्पाइसी, आई लव द टेस्ट, बट मिर्ची बहुत है।
मैं तो सोच रही थी 2x और 3x चैलेंज करूँ, जो स्पाइसी लेवल होता है बहुत ज़्यादा। बट गाइस सल्यूट टू दोज जो लोग इतना स्पाइसी खाते हैं और ऐसे चैलेंज करते हैं। बट दिस इज़ वेरी टेस्टी, होपफुली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, तो ज़्यादा मिर्ची लग रही है। अगर मैं ये खाती रहूँगी तो मेरा मतलब मोस्ट प्रॉब्लम यू नो स्पाइसी टॉलरेंस बढ़ जाएगी। अगर सच बताऊँ तो मेरे को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि मेरे को बिल्कुल मिर्ची नहीं लगेगी और मैं फट से खा लूँगी। बट मैं एक गिलास पानी ख़त्म करने वाली हूँ, बताऊँ इसके अंदर आपको यू नो मेरे को लिटरली जो खड़ी लाल मिर्ची होती है उसके पीसेस दिख रहे हैं, सेसमे के छोटे छोटे पीसेज हैं। और इसमें जो स्टार्टिंग में मिठास आ रही है, मेरे को यू नो शुगर क्यूब्स भी दिख रहे हैं, बिकॉज इनका मसाला ऐसा होगा पहले मीठा फिर सुपर स्पाइसी। सो गाइज इसको खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एनी वेज आई विल फिनिश इट। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। एंड मैं ऐसे बहुत सारे फूड चैलेंजेस लाती रहूँगी। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विंडो। एंड अगर आप चाहती हो कि मैं कुछ और ऐसा फूड चैलेंज करूँ तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन विंडो, आई वुड लव टू ट्राई इट। एंड सी यू गाइज वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाई।